हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो CITS का रिजल्ट है वो हमारा बहुत पहले ही आ चुका है। CITS का रिजल्ट हमारा लगभग 26-29 जुलाई के पास आप लोग मान के चलिए आ चुका था, और आज 10 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी तक काउंसलिंग हमारी शुरू नहीं हुई है। तो काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि जो हमारी काउंसलिंग है ये कब तक शुरू हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो CITS 2021 और 22 सेशन में जिन लड़कों ने एडमिशन लिया था उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। उनके जो CBT एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो है 24 से 28 अगस्त। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम पहले होना था लेकिन फिर इसको सरकार के बाद में कर दिया गया, तो जिसके कारण अभी NSTI के एग्ज़ाम जो है, यानी कि जो लड़के एडमिशन पिछले साल लिए थे CITS में, उनका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 24 से 28 अगस्त के बीच CBT एग्ज़ाम होना है, और अभी प्रैक्टिकल वगैरह 14 अगस्त और 15 अगस्त से शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका काउंसलिंग होती है तो आपको पता है कि सारी चीज़ें प्रोविजनल एडमिशन वगैरह लेने आपको NSTI में ही जाना होता है। तो अगर NSTI में एग्ज़ाम चल रहा होगा तो उस समय सारा स्टाफ किस में बिजी होगा, एग्ज़ाम कराने में बिजी होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 24 से 28 अगस्त से पहले आपकी काउंसलिंग नहीं शुरू हो पाएगी। यानी कि जो भी प्रोसेस शुरू होगा, ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा CITS वालों का, उसके बाद ही ये प्रोसेस आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि शेड्यूल हो सकता है आपका पहले आ जाए कि काउंसलिंग कब से कब तक चल सकती है, लेकिन शेड्यूल आ सकता है, लेकिन जो शुरू होने की प्रक्रिया है, यानी कि जब तक एग्ज़ाम आपका चलेगा, जो CITS में लड़के पढ़ रहे हैं उनका जब तक एग्ज़ाम चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपकी काउंसलिंग शुरू होना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है आपको थोड़ा इसके लिए इंतज़ार करना पड़े। पहले अगर शुरू होती है तो ये हो सकता है कि 24 अगस्त से पहले, एग्ज़ाम से पहले पहले सारा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो आपका शेड्यूल जल्द ही आ जाएगा। और अगर इसके बाद करना होगा, 28 अगस्त के बाद काउंसलिंग करनी होगी, तो फिर आपके प्रोसेस में क्या होगी, देरी होगी। जो दो कंडीशन बन सकती हैं वो मैंने आपको बता दी, या तो 24 अगस्त के पहले पहले आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, या तो फिर 28 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो जो आप लोग परेशान हो रहे थे, परेशान ना होइए। आप लोग अपना पढ़ाई अगर किसी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आपके भले अच्छे नंबर आए हैं, जब अगर कोई शेड्यूल वगैरह आता है और काउंसलिंग अगर शुरू होती है तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अभी आप लोग क्या काम करेंगे, अभी आप लोग अपना अच्छे से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।